दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे एक फ़ोन के बारे में जो 2022 में लॉन्च हुई है और ये अच्छे अच्छे फ़ोन को कंपटीशन देने वाली है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नथिंग फ़ोन 1 के बारे में। ये फ़ोन दिखने में बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ परफॉर्म कर रही है। आप देखेंगे ये दो कलर वेरियंट में आती है, एक ब्लैक है और एक वाइट। बहुत ही नीट एंड क्लीन पैकेजिंग है, बहुत ही नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है। और बॉक्स कंटेंट में आपको बता दूं कि आपको इसके साथ चार्जर नहीं मिलेगी। इसके बॉक्स कंटेंट है ये फ़ोन विथ अ सी टाइप केबल जो आपको इसके साथ मिलती है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की है। साथ में आपको एक सिम इजेक्टर टूल, एक बैक कवर और एक प्रोटेक्टिव ग्लास मिलेगी जो ऑलरेडी उसमें लगी हुई है। अब आप फ़ोन को देखोगे तो फ़ोन के नीचे साइड में आपको दिखेगा कि सिम ट्रे मिलता है जिसमें आप डुअल सिम यूज़ कर सकते हो। बगल में आपको मिलेगा चार्जिंग पोर्ट, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, और उसी के बगल में आपको मिलेगा स्पीकर। और नीचे आप देखोगे एक माइक होगा। ये फ़ोन में टोटल 3 माइक्स हैं, एक नीचे, एक ऊपर और एक पीछे कैमरा के साइड में। अब मैं स्क्रीन साइज़ की बात करूं तो स्क्रीन साइज़ है 16.64 सेंटीमीटर या फिर आप बोल सकते हैं 6.55 इंचेस। और ये एक फुल HD डिस्प्ले है, ये एक AMOLED OLED डिस्प्ले है और इसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। तो आपको कभी भी आपको कोई फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा। आप जब भी उसको स्क्रॉल करोगे तो उसका रिफ्रेश रेट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। नाउ सेकेंडली मैं बात करूँ स्क्रीन ब्राइटनेस, तो स्क्रीन ब्राइटनेस मिनिमम आपको 500 निट्स की देखने की मिलेगी और हाइस्ट में आपको 1200 निट्स मिलेगी। अगर मैं फ़ोन की वेट की बात करूँ तो ये फ़ोन लगभग 195 ग्राम 195 ग्राम की है और इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है। आपको फ़ोन आप जैसे भी पकड़ो आपको किधर भी वो भारी नहीं लगेगी। और ये फ़ोन जो है वो IP53 सर्टिफाइड है, मतलब स्प्लैश प्रूफ है। और ये फ़ोन में आगे पीछे दोनों साइड गोरिल्ला ग्लास 5 लगा हुआ है जो आपको आपके फ़ोन को अच्छा प्रोटेक्शन देगा। अब अगर हम कैमरा की बात करें तो इसमें पीछे डुअल कैमरा है विद अ फ्लैश लाइट और दोनों कैमरा आपकी 50 मेगापिक्सल की है। जो प्राइमरी कैमरा है उसका सेंसर है सोनी का और जो सेकेंडरी है उसका सेंसर है सैमसंग का। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल सोनी का कैमरा मिल जाता है। ये फ़ोन में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है जो आप हैवी यूसेज में एक दिन आराम से आप चला सकते हैं। अगर हम चार्जिंग का बात करें तो 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है और इसमें जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर है, मतलब ये गेमिंग प्रोसेसर है। इसमें आप बहुत ही ग्राफिक्स वाले गेम आसानी से खेल पाओगे। और अगर मैं इंटरफेस की बात करूं तो बहुत ही क्लीन यूज़र इंटरफेस है इसका और ये आता है आपका स्टॉक एंड्रॉयड के साथ। इसमें कोई ब्लॉटवेयर नहीं है एक्सेप्ट गूगल के सॉफ्टवेयर जो हैं जो 2022 आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वही है। इसका डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है दोस्तों। आप अगर इसको साइड से देखेंगे तो आपको ये थोड़ा थोड़ा आईफोन की तरह प्रीमियम फील देगा। अब हम इस फ़ोन की सबसे बेस्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं जो है इसका बैक साइड। तो बैक साइड में आप देख सकते हैं ये ग्लिफ इंटरफेस के साथ आता है। ग्लिफ इंटरफेस क्या होता है कि पीछे आप देख रहे हैं लाइट्स है, तो इसमें कुछ रिंग टोन्स या तो फिर कुछ नोटिफिकेशन टोन्स दिए गए हैं। आप अगर उनको सेट करते हो तो वो नोटिफिकेशन के जो साउंड है उसके हिसाब से आप देखोगे लाइट्स जलने बुझने लगेंगे। अब अगर आप बात करें तो ये फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी है, आप 15 वाट वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड है ये फ़ोन। अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसके डिस्प्ले में आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो आप अनलॉक कर सकते हैं। इसमें आपको फेस अनलॉक फीचर भी मिल जाएगा। अब अगर हम इसके बॉडी की बात करते हैं तो इसकी बॉडी बनी है एल्यूमिनियम से और एक बहुत ही प्रीमियम फील देती है जस्ट लाइक आईफोन। इसमें दो वेरियंट आते हैं, एक है वाइट और एक है ब्लैक। और अब स्टोरेज और रैम वेरियंट भी है दो, जिसमें 8GB रैम 128GB रोम है और दूसरा है 12GB रैम 256GB रोम। इसकी प्राइसिंग आप फ्लिपकार्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा जिसमें आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाएगा। तो आप नीचे गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करके आप इसके प्राइसिंग चेक कर सकते हैं।
नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए सो दैट इन फ्यूचर अगर कुछ भी नया टेक अपडेट्स आए तो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।